तुम ही काम करो करके हम उसके हस्ते बोल रहे हैं। जो आएगा तेरा 15 दिवस, जो आएगा तेरा 15 दिवस हम हमारा काम करेंगे। तुम नहीं नहीं बिल्कुल अगर नहीं करिए तो तुमको सिखाएंगे हम। अरे बहुत हमारा काम समझे मार्केट मध्ये आपल्या दारू विकती रात्री मार्केट यार्ड मध्ये दारू विकती रात्री वो सिर्फ ग्राहक का और माल का आने का इंतजार करते बैठे हुए, ना हमारे पास कोई ग्राहक बचा ना माल वाला बचा, सब माल रोड पे बिकरा। टी को दिए हमने, पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेन दिए, बाजप्ता या रोज रात में दारू बिकती, जुए के अड्डे चलते, यहाँ मटका चल रहा था पिछले हफ्ते। मार्केट बंद कर देंगे कब तक कटेंगे हमारी मांगें? हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मार्केट को बंद रखेंगे। हमारे अड़त्या हमारी जो वो है एसोसिएशन, बोले जर तुम्ही नाही करत आम्ही बेमुदत मंडी बंद करणार, आम्ही सगळे लेकरे वाला घेऊन ऑफिस समोर बसणार, आमचं खाण्यापिण्याचं पण आम्हाला काय गव्हर्नमेंटची पेन्शन थोडी मिळणार। हाजी मार्केट मध्ये भाजीपाला इकतो का? कपडे बूट तुमचे तंदूर तुमची खिचडी जुने कपडे इकत का? संजय अदाल साहब मुझे लेटर निवेदन दे के केस में क्या मच गया था? मैंने क्या था, मेरा लेटर ले रहे नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। मैंने वीडियो बना जब जाके मेरे कोर्ट ने एक्सेप्ट करा था उस टाइम पे। मटका चलतो, दारू विकती, त्याला काही कायदे कानून नाही, आपल्याला सर्व लागू होईल। लोग आए ये सब अड़तदार है, अभी इनके सहना लो, अभी सहना देने को तैयार है, तुमको सहना लाने की भी जरूरत नहीं। ये फिर 15 दिन मत बोलो, 15 दिन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम मार्केट भी भर रहे, हम साफ सफाई भर रहे, हम चूल्हा ही भर रहे, हम सब कर रहे। लोग रोड पे गाड़े माल बेच रहे, लोग बाहर भाग जा रहे, हमारे अड़ते से लाल गाय थे, हमारे अड़ते के लिए से लाल अड़ते के लिए क्या करने का सवाल? फिर माल का बेचना, इतनी तीस दुकान माल बैठता क्या सिलाल क्या करने का? ये सिलाल ये अपनी ये नहीं है ना, अपना जो मास्टर प्लान है इसमें जो स्टार्टिंग से जो रिजर्वेशन करे हुए हैं वहाँ शॉपिंग है, सेलॉल नहीं है। सेलॉल होना ना सर, अब इतनी बड़ी मार्केट औरंगाबाद इतना बड़ा है, नया नया मार्केट बन रहा था तब तुमने डिमांड करना था। आता सेलॉलचा विषय झाला, आपले ज्या फ्रूट मधले लोक आहे, काही लोक रोडवर माल विकतात, काही आता अलीकडच्या शॉपिंग सेंटरमध्ये माल विकतात, याला जुम्मेदार कोण? कोणतं शॉपिंग सेंटर? की आज शॉपिंग सेंटरमध्ये अलीकडचं माल रोडवर माल विकतात, जनरल मार्केट याला जबाबदार कोण? ते सांगू ना मला, तिथं फक्त 3च दुकानदार आहे की त्यांनी जन फूड मार्केटमध्ये त्यांचं स्वतःचं दुकान आहे, त्या दुकाना बंद करून त्यांनी जनरलमध्ये दुकान। तुम्ही काय होऊन दिलं काय? तुम्ही काय होऊन दिलं त्यांना? शॉपिंग सेंटरमध्ये तुमचं काम आहे रोखणं त्यांना, त्याचं नावच जनरल आहे। जनरल मार्केटमध्ये फुल तिला काही दारू विकलीच चालेल का? नाही, त्याला योग्य उत्तर द्या। असं त्याचं नाव जनरल आहे, जनरल मध्ये काही करायचं का? काही करायचं नाही, गांजाचं नाव असं नाही। तुम्ही काय म्हणता, फळे भाजीपाली कशी काही विकू शकते हो शॉपिंग मध्ये? मग कसं कोणतं मार्केट आहे? कोणतंही शॉपिंग मध्ये काय तुमचं? चप्पली का कापड दुकान टाका, तुमचं खदा बियाणीचे टाका, तिथे ते भाजीपाला विकल्यावर त्या मार्केटचे आमच्या मार्केटचे हल्लो काय? आमचं मार्केट झुरो हॅलो होऊन राहिले, सगळे रोडवर विकून राहिले, सगळे अलीकडे शॉपिंग सेंटर मध्ये माल विकून, आम्हाला दुकान का सेट दिले तुम्ही माल विकण्यासाठी? शेतकऱ्याने कुठं माल विकायचा? शेतकऱ्याने आमच्या डोक्यावर विकायचा का? ऐकून घ्या, नाही नाही नाही, आज जे रोडवर बसू लागले ना, म्हणजे आमच्या रस्ते बंद करायसाठी शेतकऱ्याला माल विकायचा, तुमचं काम नाही ते? कुठे द्यायचं तुम्ही जागा द्या त्यांना, कुठे विकू द्या ना, आमचा विरोध नाही। तेच चालू आहे, तेच प्रयत्न चालू आहे, शेतकऱ्याला शेतकऱ्याची सेपरेट जागा देणार आहे। कुठे द्या त्याचं नाम चार्जर? शेतकऱ्याला शेतकऱ्याची सेपरेट जागा देणार आहे। लॉकडाऊन के बाद से कुछ सुधरा रहा है? लॉकडाऊन में जिस स्थिति कर रहे थे वैसी करके बताओ ना आप। अभी लॉकडाऊन के बाद से 2020 से अभी तक प्रशासक है अपने पास, संचालक मंडल आया क्या? नहीं आया। डिसीजन कौन ले सकते? शेतकरी को वहाँ से निकाल के कहाँ बिठाना है ये डिसीजन प्रशासक ले सकता क्या? 2020 से अपने पास प्रशासक है, प्रशासक सर्व काम करू शकतात असं काही नाही। मार्केटची देखरेख कोण करतात? तुम्ही प्रशासक, हे तुमचं काम आहे। मार्केटमध्ये काय चुका होतात
काय दुरुस्त करायचं तुम्ही प्रशासक वर कळवा ना तसं नाही इडीआरला कळवा तसं नसतं पोलीस फोर्स मागा पॉलिसी डिसिजन अगर घ्यायचं तर त्याला संचालक मंडळच लागतं संचालक मंडळ 25 वर्ष आलं नाही हे लोक 25 वर्ष तर कळत ठेवायचं आता काय सांगतात कोर्ट पाहिजे चालू आहे चालू आहे 3 वर्ष पण हेच चाललंय इलेक्शन लागलेलं आहे नाही त्याचं काय अजून काय सांगताय तर काय होतं कोर्ट पाहिजे अजून कोर्टात केस आहे तसं नाही काय म्हणायचं भाजी मार्केटमध्ये भाजीपाला इकतो का कपडे बुट तुमचे तंदूर तुमची खिचडी जुने कपडे इकत का हे भारतीय काय मार्केटची चव गेली हो साहेब काय हे ऐकून ऐकून बैठे झालो 20 वर्ष ते आपण हातगाड्या मागे बरं तुम्ही ऐकून द्या हातगाड्यावर कारवाई करायला लागलो यांचेच कार्यकर्ते आले अरे आमचे कार्यकर्ते तर सोडून द्या तुम्ही तुम्ही काय करा मी जर आलो आलो असेल माझ्या माणसासाठी तुम्ही पोलीस कारवाई करा मग मध्ये लागा ना हे 15 दिन से चल रहा है अरे तुम्ही काम करू राहिले नाही बिलकुल अगर नाही करेंगे तो तुमको सिखाएंगे हम अरे गोष्टी विचार विनिमय तू सुटते आपण आपला मुद्दा मांडणे त्यांनी त्यांचं उत्तर देणे पुन्हा सिनेमा लिलाव करणार अलग मेरा मुद्दा था वो संजय अथाड़ साहब मुझे लेटर निवेदन देके केटवी कोर्ट में केस में क्या मच गया था मैंने कह दिया था मेरा लेटर ले रहे नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे मैंने वीडियो बना जब जाके मेरे कोर्ट ने मेरा कहा ऐसे एक्सेप्ट करा दो स्टेप पे वो जीने बेच रहे थे लीला होगा था उसका 50,000 पर डिपॉजिट भी हो गए थे मार्केट यार्ड के अंदर उसके मैंने उसको रोका उसके बाद में कोर्ट में गया कोर्ट में जाके मुझे न्याय मिला जब जाके अपने कैंसिल कर दिया उसको बंद करना ये विषय अलग है बेचने से रोकने का मेरा विषय अलग था मेरे को एक बात कौन सी करे जवाब कौन सा दे रही मेरे को एक बात बोलो वहां से पैसे कितने जमा हो रहे थे 1.25 करोड़ रुपए जमा हो रहे तुम अभी साफ सफाई क्या देते 1200 रुपए वो भी साल के इनकम क्या है मंडी में की अभी वहां पीछे का क्या गवर्नमेंट का कुछ ये आता क्या अपने को आमदार फंड आता है ना खासदार फंड आता है कोई फंड नहीं आता जैसे अपने से जो जनरेट होता है उसमें से काम करना पड़ते अभी तुमने 21 दुकान बनाए 21 दुकान के पैसे जमा हो गए वो भी तो खर्चा कर रहे हो 21 दुकान जो बनाए 21 दुकान बनाए तो बिल्डिंग के फुकट खड़े रही क्या फुकट खड़े नहीं रहे उसके भी तो पैसे आए ना मुझे बोल रहे क्या वो 21 दुकानों के पैसे उसका वैल्यूएशन रहता है दुकान की कीमत रहती जमीन की कीमत रहती उसके ऊपर से वो बिल्डिंग उस वही पैसे में बनाना पड़ती नहीं तो बिल्कुल अगर तुम बोलिए हमारे दुकान के सामने जो जगह है हम बेचेंगे उसके पैसे नहीं फिर हम तुम्हारा उस दौड़ करेंगे सर आमचे 4 तारखेचे रस्ते मोकळे करून द्या तुम्ही म्हणलेला प्लॅन आम्हाला आवडला तुम्ही वेळ लागेल 4 ऐका माझी गोष्ट आम्हाला आता अर्जंट 10 दिवसात 5 दिवसात 4 तारखेचे रस्ते मोकळे करा तुम्ही तर माझ्या घरी आले सकाळी दुकानात 6 ला माझं दुकान मधोमध मला माहिती तुम्ही मोकळे आले पाहिजे तुम्हाला एक पैसा डिस्टर्ब झाला पाहिजे एवढं करून द्या आम्हाला तुमची एवढीच विनंती विषयाने विषय वाढेल वादाने वाद वाढेल आम्हाला काही काढायचं नाही आम्ही तर तुम्हाला 20-25 आठ त्यांना हरसीचा माल विकायचा आहे तर तुमचा एक सेलवर बंद पडला ना जिथं आता ते पॅक केलं नाक्याजवळचा तर आम्ही तुम्हाला तो मागणार होतो एक दिवस व्यापारासाठी भाजीपाल्यासाठी हां ज्यांना ठोक हरा नाही तो एक काम करू सिरसाट साहेब तुम्ही असं लिहून द्या आम्ही कोर्टात जाऊ तुम्ही जे पॉलिटी डिसिजन योजा भूंगा वैसे लिख कर दो नहीं नहीं वैसे के देने की जरूरत नहीं नहीं वो तो मगर हमारे बोले इधर तो हम मर जा रहे ना कोर्ट रोज धीरे धीरे मर रहे ना हम ये देखो कोर्ट ओपन है ये सब आई गए कोर्ट में गए कि नहीं तुम कोर्ट में हाँ तुम भी जाओ अरे हम अरे तुम बोलो ना हमारे हमारे से नहीं होता मैं काय को बोलो तुम कोर्ट में जाओ फिर तुम बोल रहे वो आए बात करेंगे कोर्ट में तुम बोलो ना अपने अपने निवेदन दिले अपने मागने उत्तर काय आलं तुम्हाला कोर्टात जायचं काय दिलं नाही उत्तर दिलं नाही साहेब मैं ऐका तुम्ही जितने भी इनके जब पर वो मंडल बैठे हुआ था ना तो जब भी 1000 कंप्लेन करे वही कंप्लेन का निपटारा हुआ नहीं आज तक नहीं आज तक नहीं ये जो बात कर रहे ना ये बता रहे हैं क्या कर रहे हैं ये नहीं भी नहीं हुआ आज क्या होगा ये निर्णय आने वाले कल में क्या होगा ये बात तो हमारे बोली मतलब 20 साल से मैं ना ये दो चीज तो पहले होता है पहले तो ये ये तुमको पहले मार्केट बन जाती है पुल्ली बात है लोकशाही मार्केट से अपन चरवड़ करेंगे आगे हां क्या करने वाले हां
अब करे साहब ने 8-4 दिन में कार्रवाई तो ठीक, मैं 8-10 दिन में मार्केट बंद कर देंगे, खाली कर देंगे। गाड़ा नंबर 77 हां, दारू बेचने वाले धंधे अच्छी चढ़े। हां, दारू विकली मार्केट में बिक्री है, मटका चलतो, दारू विकती, त्याला काही कायदे कानून नाहीत, आपल्याला सर्व लागू होईल। आपली एक गाडी थांबली तर आपल्याला कायदे कानून आहे, दारू विकली त्याला काही कायदे कानून नाहीत मार्केट मध्ये। आता सांगितलं त्यांनी, आता थोडं थोडं ते करण्याचा प्रयत्न करणार। मार्केट मध्ये आमची एक गाडी राहिली दुकानासमोर, तर कायदे कानून तुम्ही आता दाखवले आम्हाला, आणि दारू विकती मार्केट मध्ये मटका चलतो त्याला काय कायदे कानून आहे। मार्केट मध्ये आपल्या दारू विकती रात्री, मार्केट यार्ड में, मार्केट यार्ड मध्ये दारू विकती रात्री, अडत में दारू चल रही है। तुमचं लक्ष नाही, लक्ष द्यावं लागेल। आमच्यातले व्यक्ती कोणा भाजीपाला विकणं, आमच्यातले भी दारू विकायला चालू करतील, करायला लागेल ना। सगळं बरोबर आहे ना, बोलू, भटका चालू होता एक महिना मार्केट मध्ये, मार्केट कमिटीचं लक्षच नाही ना। आता 3 वर्षानं प्रशासक मंडळ नाही, अजून 3 वर्ष येणार नाही, तोपर्यंत आपण भीक मागायची अवस्था होईल आपली। एक दो डुक्कर आहे ते पूर्ण आपल्या मार्केटचं जनावरांचं खूप सगळे 7000 आंदोलन, फक्त काही म्हशी होत्या आणि मार्केटमध्ये 100 डुक्कर झाले, ते म्हणतात 100 डुक्कर भी झाले। जो लोग आए ये सब अड़तवार अड़तदार है, अभी इनके सहना लो, अभी सहना देने को तैयार है, तुमको सहना लाने की भी जरूरत नहीं, ये पूरे अड़तदार है, इनकी दुकानों के नाम से सहना देंगे। तुम बोल रहे ना कि भाई क्या हमारा ये प्रस्ताव समझ के वो करो उसको, फिर 15 दिन मत बोलो, 15 दिन प्रमुख मागणी मार्केट कमिटीकडे 2 वर्षापासून सातत्याने आमच्या भाजी मंडीचे दोन्ही बी ओशेशनच्या माध्यमातून आम्ही खूप पाठपुरावा केला। 1-2-3 वर्षापासून सतत पाठपुरावा करून सुद्धा कृषी उत्पन्न बाजार समिती आमच्या मागण्याचं काही म्हणजे त्यांच्यावर त्यांनी उपाय काढला नाही, तर आमची एक त्यांच्याकडे रोष व्यक्त करण्यासाठी आम्ही पुन्हा तिसऱ्यांदा आम्ही त्यांच्याकडे आज आलो। आमची मागणी एक आहे का, रस्त्यावर भाजीपाला विकू नये, चप्पल बूट अंडे हे जे काय मार्केटमध्ये हे विकण्याची जागा नाही। औरंगाबाद शहराचं एक नावलौकिक असलेलं शहर मराठवाड्यातलं, आणि त्यामध्ये आपल्या शहराचं नावलौकिक जातं, हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जागी करण्यासाठी आम्ही आज इथं सगळे जमलो होतो आणि निवेदन दिलं। आपल्या शहराची प्रतिष्ठा वाढावी, शहरात 10 गाड्या माल शिल्लक यावा, रस्ता मोकळा असेल तर माल येईल, रस्ताच मोकळा नाही, रस्ता बंद केला कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं, त्यांचं त्यांचं भागतं, आणि व्यापाऱ्याचं जे बंद पडलं, दुकानावर जो माल नाही त्याचा रोष व्यक्त करण्यासाठी आम्ही आज सर्व व्यापारी बंधू इथं हजर राहिलो। आम्ही त्यांच्याकडे एक निवेदन दिलं आणि त्याचं त्यांनी पाठपुरावा करा असं आश्वासन दिलं, आणि ते लवकर करतील अशी मला एक अपेक्षा आहे। पण मी आता वरती ऐकला तुम्ही बोलताना की शौचालय नाही आहे, पार्किंगला जागा नाही आहे, साफसफाई नाही आहे, प्यायला पाणी नाही आहे, इतकं वर्ष तुम्ही का गप बसले? तुमची एक संघटना आहे, तुम्ही येऊ शकता होतो इथं बोलायला। आम्ही पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत असंच 4-5 वेळेस त्यांना निवेदन दिलं, आज करतो उद्या करतो, महापालिकेचं पाणी येईल, पाण्यासाठी त्यांनी आमच्याकडून पैसे भरून घेतले, आमच्याकडून साफसफाईचेसुद्धा कर घेतात 1200 रुपये वर्षाला। साफसफाईच्या बाबतीतसुद्धा आम्ही रोड बनवण्याच्या बाबतीत त्यांच्याकडे मागणी केली, तरी ती त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही। आपली ही मार्केट कमिटी, झोपलेली मार्केट कमिटीला जागी करण्यासाठी आम्ही व्यापारी बांधवांनी खूप प्रयत्न केले, तरी यापुढेही असा संघर्ष करण्याची पाळी आली। स्वच्छालयाच्या बाबतीत असो, त्यांनी जे आश्वासन दिलं ते त्यांनी पाळावं, आणि नसता आमच्या व्यापाऱ्याच्या रोषाला या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला नक्कीच रोषाला बळी पडावं लागेल, आणि खरंच या शहराची मानलौकिक वाढवण्याची असेल तर यांनी त्याची दखल घ्यावी। कितने सालों से तकलीफ उठा रहे थे, आज आपका गुस्सा भी देखने को मिला, दुकानें बंद रखने की चेतावनी दी आपने। हम 15 साल से एप्लीकेशन दे रहे, बस वो बड़े पहले बोले अभी बड़े प्रशासक होना, ये होना, पंचायत होना, हम उनको पहले से DDR साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, राय से कि हमने कमिश्नर साहब को दिए, और राय हमने CM साहब तक ये नोटिस पहुंचा है,
मगर ये कोई उस पर वो नहीं कर रहे। पारसा साहब आए हम कर देते तो कुछ नहीं कर रहे। DDR साहब बोलते हम कर लेते वो कुछ नहीं कर रहे। हमारे सचू साहब बस आश्वासन देते इधर उधर की बातें बतला रहे हर काम खत्म कर दे रहे। कितनी तकलीफ हो रही जो किरकोल कारोबार करने वाले लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं उससे आपके दुकान को आपके कारोबार को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत 80% 100% 100% बोले हुए तो चलेगा। हाँ अच्छा वो नियम में आते हैं कि यहाँ पे आके धंधा? नहीं नियम में नहीं है। क्या वजह है फिर क्यों उनको तो बाहर निकाला नहीं? एक ही वजह है इनको 20-30 रुपए रोज लेते हैं उनसे ये लोग और उसके वजह से ये अभी तक चढ़ा है। अच्छा आपने एक ऊपर अल्टीमेट दिया, क्या अल्टीमेट था? कि भाई वो रोड पे वालों को सेल हाल बना उन्होंने बागड़े नाना के नाम पे वो सेल हाल में बिठाओ बोले हम तो वहाँ नहीं बिठा रहे हो रोड पे बिठा रहे उनको यहाँ से इनकम है उसके लिए आपकी अगर पूरी नहीं होती है तो आपने चेतावनी दी ना ऊपर? हाँ हाँ मार्केट बंद कर देंगे। कब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मार्केट को बंद रखेंगे। हमारे अड़त्या हमारी जो वो है एसोसिएशन हम ओके बेमतलब। मेरा नाम ईसा खान हबीब खान मेरा पता है अध्यक्ष हूँ मार्केट का। पर कि आता भी आम्हाला प्रशासक आहे आम्हाला साहेब तुम्हाला पावर आहे तुम्ही सचिव आहेत प्रशासक असल्यावर आणि संचालक म्हणत अजून जर 10-5 वर्ष नाही आलं तर आम्ही असं तडपून मारायचं का? आमचा परिवार आम्ही आता सासून ठरवलं आहे जर तुम्ही नाही करत आम्ही बेमुदत मंडी बंद करणार। आम्ही सगळे लेकरंवाळा घेऊन ऑफिसवर बसणार आमचं खाण्यापिण्याचं आमचं पण आम्हाला काय गव्हर्नमेंटची पेन्शन थोडी मिळणार? आम्ही तर व्यापार करू तर पोट भरू ना जर आमच्या पोटावर हे पाय देतात ते आणि रोडवर हे लोकांवर बसून यांचीच परमिशनांना बसायची आहेत ना। या मार्केट कमिटीचा प्रश्न कसा की तुम्ही रोड रिकामे केले तर लोक आमच्याकडे भाजीपाला आणतील तर तो रोड बंद नाही केला तर आमच्याकडे भाजीपाला आणेल कोण? आम्ही रोज यायचं शटरवर करायचं 3 तास बसायचं आणि घरी जायचं हे किती दिवस चालणार? आज 20 वर्षापासून आम्ही यातना भोगतो आहे मरणाची यातना भोगतो आहे। आमचे आई वडील गेलेत आमचं पण जाण्याची वेळ आली मार्केट सुरायची काय कारण नाही याच्यामध्ये जे आहे ती बरीच नवीन संचालक येईल नवीन पक्ष येईल प्रतिबोम तीच आहे तेच मागचे पाडे पुढं करू चालू आहे। जागा नाही हे नाही ते नाही मार्केटमध्ये 35 एकरची जागा आहे भाजी मंडीमध्ये 35 एकरमध्ये भाजी मंडी किती एक याच्यात केलेली किती ठिकाणी गाळे तयार झालेले आहेत बाकीच्या जागेचं काय काय कोणी येतं तर कोणी मग काय विकतं चालले जातं म्हणजे मॉलमध्ये आणि होलसेल भाजी मंडीमध्ये फरक राहिला काय? होलसेल भाजी मंडीचा अर्थ इथं फक्त भाजीपाला लिलाव होईल इथून फक्त भाजीपाल्याचाच व्यवहार होईल इथं असं राहिलेलं नाही। बोलावं तर त्यांच्या मी दुश्मन बनतो त्यांच्यावर म्हणजे आमच्या कारवाई सुरू करतात काय पण नोटीस। माझं नाव पुंजाराम आसाराम सराटे मी तर अर्ध व्यापारी। इससे पहले भी हमने मार्केट कमिटी को बहुत सारे निवेदन दिए। इससे पहले भी एक 15 दिन पहले हमने एक निवेदन दिया था उसमें एक प्रमुख मांगना रखे थे हमने उनको ये मांगनी रखे थे कि मार्केट को एक ही गेट होना चाहिए और वो गेट पे हर माल की गाड़ी की एंट्री होना चाहिए। इससे एंट्री में ये होना चाहिए कि गाड़ी किसके पास जा रही है किसके दुकान पर जानी चाहिए इसकी एंट्री गेट पर ही होना चाहिए ये मांगनी थी। उसके बाद दूसरी मांगनी हमने रखे थे कि खरीदीदार जो माल खरीदता है तो मार्केट में माल खरीदने के बाद खरीदी पावती दिखाकर उसको मार्केट के बाहर गेट से जो है तो उसको एंट्री दी जाए बाहर जाने की। अगर उसके पास खरीदी पावती नहीं है तो मार्केट से बाहर नहीं जा सकता ये मांगनी रखे थे। उसके बाद हमने ये मांगनी रखे थे कि अड़त दुकानदारों को कंपलसरी मार्केट कमेटी के ही पट्टा जो है जो मार्केट कमेटी पट्टा देंगी वही पट्टा अड़त दुकानदारों के लिए कंपलसरी करे वो पट्टी के बगैर कोई पट्टी नहीं देगा क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा जो मार्केट में धोखाधड़ी शुरू है कोई भी आ रहा है माल बेच रहा है सादी पट्टी दे रहा है शेतकरी को पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है ये धोखाधड़ी बस बंद हो जाएंगी मगर ये करना नहीं चाहते। उसके बाद हमने प्रमुख मांगनी ये रखी थी कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो रोड पर माल बेच रहे बिना लाइसेंस के बिना दुकान के रोड पर माल बेच रहे हैं और सादी पट्टी शेतकरियों को दे रहे हैं जा रहे और जो दुकानदार है जो 50-50 लाख की 1 करोड़ की दुकान लेकर बैठे वो सिर्फ ग्राहक का और माल का आने का इंतज़ार करते बैठे हुए ना हमारे पास कोई ग्राहक बचा ना माल वाला बचा सब माल रोड पे बिकरा। ये रोड पे इसलिए बिठा रहे इनको रोड पर से कमीशन हो रहा है। अभी शेतकरी को हमने पिछली बार निवेदन दिया था कि शेतकरी के लिए हरिभाव नाना ने जो है 3.5 करोड़ रुपये खर्च कर सेल हॉल बनाए और वो सेल हॉल की हालत देखेंगे आप जाकर तो वहाँ दारूडे बैठ के दारू पीते वो आजू बाजू के बस्ती के लोग वहाँ जानवर बनते तो इसलिए सेल हॉल बनाया था क्या? एक दिन में वो शेतकरियों को जो है तो सेल हॉल में शिफ्ट कर सकते उनके पास पावर है बायलॉज के हिसाब से ये काम नहीं करना चाहते
और वहाँ पे दारू पी रहे, जुआ खेल रहे, तो आपने कमेटी को बताया? बिल्कुल, कमेटी को दिए हमने, पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेन दिए। बाजप्ता यहाँ रोज रात में दारू बिकती, जुए के अड्डे चलते, यहाँ मटका चल रहा था पिछले हफ्ते। अच्छा, वो जो जुए के अड्डे चलाते और जो दारू पीते, उन्होंने कभी आपको आके धमकी वगैरह हफ्ता वसूली का कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो हमको कोई तकलीफ नहीं देते, वो उनका कारोबार करते। मगर मार्केट कमेटी का काम है, ये उच्चतम कृषि उत्पन्न समिति है। सिर्फ कृषि उत्पन्न समिति नहीं है, उच्चतम का मतलब होता है ये महाराष्ट्र की सब में बड़ी मार्केट में से एक मार्केट है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र कृषि अधिनियम है वो लागू होना चाहिए और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। हम व्यापारी जो है एक मांगनी रख रहे, हमारी मत सुनो ना आपकी सुनो, जो बायलॉज में है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, मगर ये काम नहीं कर रहे उसमें। आपका नाम बोल दीजिए। शेख सादिक। सबसे पहले तो सचिव साहब ने कहा कि संचालक मंडल आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे, यहाँ पे प्रशासक बैठा है। लेकिन मैं सही प्रशासक साहब को पूछना चाहता हूँ कि महानगर पालिका भी तो प्रशासक है, कि महानगर पालिका काम नहीं कर रही क्या? वहाँ वहाँ पर कौन सा नगर सेवक का बैठे हुए, वहाँ कौन सा महापुर बैठा हुआ है, वहाँ कौन सी चीज़ें बैठी, वहाँ कैसे काम चालू है? यहाँ भी प्रशासक है, वहाँ भी प्रशासक है। औरंगाबाद में पंचायत, कई पंचायत समितियों में प्रशासक है, कई मार्केट कमेटी में जिले में प्रशासक बैठे हुए, वहाँ भी तो काम चालू है। यहीं क्यों संचालक मंडल की बात रखी जा रही है? मैं ये सचिव साहब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शहर में भी संचालक चालू है, मंडल चालू है ना, यानी अपने महानगर पालिका के अंदर में, वहाँ भी तो काम चालू है। हम ये निवेदन है कि इन्होंने जो लैंग्वेज बोले ये गलत है, क्योंकि नगर पालिका के अंदर भी काम चालू है ना, वहाँ भी प्रशासक बैठा है ना। अच्छा, आप आगे कहाँ तक के जाएंगे? हम आगे जाएंगे, यानी हमारा काम ये भी बोल दिया कि आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। नहीं, कोर्ट का तो मसला नहीं है, हम मंडी बंद कर देंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे मंडी के अंदर, हम चंद दिनों के अंदर एक कड़क आंदोलन, चेतावनी होना, इससे पहले भी किए थे हमने, नहीं किए उन्होंने, आज तक काम ही नहीं करते लोग। मतलब आपका दबदबा नहीं है यहाँ? नहीं, दबदबा है ना, दबदबा क्यों नहीं रहेगा, इंशाल्लाह हम करेंगे, अभी बताना पड़ेगा, करेंगे हम लोग दबदबा करेंगे। आपका नाम बोलिए। मुजीब खान।